तो फ्रेंड्स, अगेन हम डिस्कस करने जा रहे हैं बजट हाइलाइट्स 2019 का पार्ट टू। जैसे कि पार्ट वन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कल के लेक्चर में, जिसमें हमने डिस्कस किया कि टैक्स रिबेट्स क्या हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, फिशरी सेक्टर, जीएसटी, वुमेन एम्पावरमेंट, इन सब सेक्टर्स को हमने इंडिविजुअली डिस्कस किया। साथ ही साथ हमने कुछ की पॉइंट्स डिस्कस किए अबाउट दी बजट हाइलाइट्स 2019। सो सी फ्रेंड्स, ये बहुत जानना ज़रूरी है कि इंट्रियम बजट और फुल बजट में क्या डिफरेंस है। सो जब भी कोई गवर्नमेंट चेंज होने वाली होती है, ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि 2019 में लोकसभा इलेक्शंस हैं, सो हमें अभी नहीं तय कि कौन सी गवर्नमेंट आएगी। सो उससे पहले जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो अपना इंट्रियम बजट प्रेजेंट करती है, जो कि सिर्फ 3-4 मंथ्स के लिए होता है, ठीक है। सो इसीलिए, और जो फुल बजट है, जो भी नई गवर्नमेंट फॉर्म होगी वो अपना फुल बजट प्रेजेंट करेगी। सो यही एक कॉमन डिफरेंस है इंट्रियम बजट और फुल बजट में। सो सी फ्रेंड्स, यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं पीयूष गोयल जी, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर नियुक्त किए गए हैं 23 जनवरी को। उन्होंने इस बार इंट्रियम बजट को प्रेजेंट किया है। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs ऑन बजट 2019 दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जर्नल नॉलेज फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। दिस इज़ अबाउट पैशन पाठशाला। पैशन पाठशाला इंडिया का फर्स्ट ऑल वुमेन एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, फॉर एग्जाम्पल SSC, स्टेट PSC, बैंकिंग, UPSC, FCAT, रेलवे। आप हमें फॉलो कर सकते हैं पैशन पाठशाला 2018 फेसबुक पेज एड्रेस पर। सो सी फ्रेंड्स, आज हम पहले एक डिस्कस करेंगे पॉइंट दैट डिफरेंस बिटवीन वोट ऑन अकाउंट एंड फुल बजट। ओके, सो सी फ्रेंड्स, जो इंट्रियम बजट है उसको हम एक तरह से वोट ऑन अकाउंट भी बोलते हैं, और फुल बजट जो कि अभी आएगा नई गवर्नमेंट के फॉर्म होने से, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। सो सी फ्रेंड्स, फुल बजट डील विद बोथ एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू साइड, वाइल वोट ऑन अकाउंट डील्स ओनली विद एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द गवर्नमेंट्स बजट। The vote on account is normally valid for 2 months. Full budget is valid for 12 months of financial year. Okay? Then a vote on account is treated as a formal matter and passed by Lok Sabha without discussion. And the full budget is passed only after discussion and voting on demands for grants. Okay? So ye difference hai full budget or interim budget or vote on account mein. ठीक है, ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है। सो सी फ्रेंड्स, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया अबाउट दी टैक्स रिबेट्स, अबाउट दी एग्रीकल्चर सेक्टर, फिशरी सेक्टर, देन लाइफ स्टॉक मीन्स काउ। सिमिलरली आज हम डिस्कस करेंगे डिफेंस सेक्टर के बारे में, देन फॉर दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में। ओके, सो ये पॉइंट की पॉइंट्स हैं वो जानना हमें बहुत ज़रूरी है, दैट किस सेक्टर को कितना बजट एलोकेट हुआ। इससे हमें पता चलेगा अपने देश की प्रगति का, कि पहले के बजट्स, हर साल के बजट्स में कितना चेंज आ रहा है, कितना प्रोग्रेस किया जा रहा है, एंड सो ऑन। सो आइए डिस्कस करते हैं अबाउट द डिफेंस सेक्टर। सो द डिफेंस मिनिस्ट्री सेड द टोटल एलोकेशन ऑफ ₹318,931 crore इन डिफेंस बजट इज एन इंक्रीज ऑफ 6.87% ओवर रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ ₹298,418 crore फॉर 2018 and 2019। And the total layout does not include 112,079 crore set aside for payment of pensions. So our defense budget will be crossing ₹3 lakh crore for the first time in 2019-2020. And for securing our borders and to maintain preparedness of the highest order, if necessary, additional funds will be provided. So see friends, this is the biggest achievement ever. That ₹3 lakh crore has been first time allocated in 2019 and 2020. But under the capital outlay, the army was granted ₹29,447 crore, navy was given ₹23,156 crore, and the Indian Air Force got an allocation of ₹3,930 crore. So see friends, individually bhi hame army, navy aur Indian Air Force ki allocations ka pata chal raha hai. So ye key points yaad rakhna hame important hai. Next is the revenue expenditure, which include expenses on payment of salaries and maintenance of establishments, has been pegged at ₹210,682 crore as against ₹188,118 crore for 2018-19. The Defence Ministry said the capital outlay for the armed forces is 32.19% of the government's total capital expenditure of ₹336,293 crore.
and it said that total defense allocation including for funds for pensions accounted for 15.48% of the total central government expenditure. So see friends, again it is the biggest achievement. Next is officials also said that final amount of defense budget include funds set aside for border roads organization, coast guards, and allocation made for payment of salaries and allowances to civil staff of the defense ministry. So see friends, jab hum डिफेंस की बात करें उसमें बॉर्डर रोड्स का बनाना, उनको ऑर्गेनाइज, मेंटेनेंस, कोस्ट गार्ड्स एंड एलोकेशन मेड, ऑल द पेमेंट्स एंड सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द सिविल स्टाफ ऑफ द डिफेंस मिनिस्ट्री. एंड गवर्नमेंट्स एफर्ट्स टू स्ट्रेंथन डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी एंड अ ट्रू केयर इज टेकन ऑफ द सोल्जर्स हु प्रोटेक्ट इंडियाज बॉर्डर इन टफ कंडीशंस एंड द इशू ऑफ वन रैंक वन पेंशन OROP विच वॉज पेंडिंग फॉर द लास्ट 40 ईयर्स हैज़ बीन रिजॉल्व्ड. सो सी फ्रेंड्स, अगेन दिस इज द पॉइंट ऑफ अचीवमेंट ऑफ आर गवर्नमेंट दैट द इशू ऑफ वन रैंक वन पेंशन विच वॉज पेंडिंग फॉर लास्ट 40 ईयर्स हैज़ बीन नाउ रिजॉल्व्ड. The government also announced substantial hike in the military service pay MSP of all civil personnel and special allowances were given to naval and air force. Next is about the pension for unorganized sector. So see friends, we know that the people who are unorganized sector, they devoted themselves to the income of India, to the GDP of India. So considering that half of the GDP comes from unorganized sector, finance minister announced the launch of the mega pension scheme Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan for the unorganized sector workers with income of less than ₹15,000, and the workers in the sector will get ₹3,000 per month after the age of 60 as part of the scheme. So see friends, ab ye particular key point aapko yaad rakhna zaruri hai ki unorganized sector mein per month kitni payments pension unko di jayegi, that is ₹3,000, and after the age of 60 years. The finance minister has allocated ₹500 crore for the scheme. The money will be directly transferred to the bank accounts of the beneficiaries, possibly linked with Aadhaar. Okay, next is about the Northeast budget. So see friends, Northeast plays important role because we have to solve a lot of problems like insurgency, like the poverty and so on. So these problems are coming and we have to solve it with all these Northeast states like Meghalaya, Assam, Arunachal Pradesh, Mizoram, Tripura, Sikkim and so on. So that's why we need to know about all the Northeast budget key points. So the finance minister announced that the people of Northeast have received significant benefits of infrastructure development in this interim budget. Arunachal Pradesh came on the air map recently, and Meghalaya, Tripura and Mizoram have come on India's rail map for the first time. Allocation for the Northeast area is being proposed to be increased by 21% to ₹58,166 crore in 2019-20 budget estimate over 2018-19 budget estimate, that is BE, and the government will announce and the government will introduce container cargo movement to the Northeast by improving the navigation capacity of the Brahmaputra river. So see friends, ye hame jana bahut zaruri hai ki kaun se river se cargo movement hogi, that is your Brahmaputra river. So see friends, antrim vitt mantri Piyush Goyal ne पूर्वोत्तर राज्य, दैट इज़ नॉर्थ ईस्ट के लिए जो बजट है उसको 21% बढ़ाने का प्रस्ताव किया है. ओके, एंड गोयल ने ये बताया कि वित्त वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 में पूर्वोत्तर इलाकों में 21% से बढ़ाकर 58,166 crore रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया. सो अगेन सी फ्रेंड्स, ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट्स है जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. और फाइनेंस मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा है कि जो सरकार ब्रह्मपुत्र नदी की नौवहन क्षमता में विकास करके पूर्वोत्तर के लिए कंटेनर कार्गो आवाजाही की शुरुआत करेगी, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया. सिमिलरली फ्रेंड्स, उन्होंने ये भी कहा कि असम एंड अरुणाचल प्रदेश में बोगीबिल रेल एवं सड़क पुल जैसी दशकों को अटकी परियोजनाएं पूरी की जाएंगी, जैसे हमने बोगीबिल ब्रिज के लिए डिस्कशन की थी. सिक्किम में पयोयांग हवाई अड्डे की शुरुआत के साथ देश में
परिचालन वाले हवाई अड्डों की संख्या 100% से अधिक हो जाएगी। सो सी फ्रेंड्स, ये कुछ की पॉइंट्स हैं, आइए डिस्कस करते हैं। सो नॉर्थ ईस्ट फोकस में एलोकेशन ऑफ रुपीज़ 19000 crores फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रूरल रोड्स इन 2019-20 फॉर इंडस्ट्रीज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया रिक्वायर सब्सटेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। एन इंक्रीज इन एलोकेशन विल एंश्योर स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इंक्लूडिंग सिक्किम। सो सी फ्रेंड्स, आइए डिस्कस करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। और सी फ्रेंड्स, जो हमने अब तक डिस्कस किया है उन्हीं में से ही ये क्वेश्चंस हैं, और हम और भी इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो आइए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच किसान योजना वॉज लॉन्च रिसेंटली बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन द प्रेजेंटेशन ऑफ बजट 2019। सो सी फ्रेंड्स, अगेन इट इज़ ईजी क्वेश्चन, वी हैव डिस्कस येस्टरडे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट स्कीम, प्रधानमंत्री कृषि योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ न्यू स्कीम फॉर द फार्मर्स इज एलोकेटेड, हाउ मच डायरेक्ट इनकम सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड इन अ ईयर। ऑप्शंस आर ₹8,000, ₹5,000, ₹6,000, ₹9,000। सो करेक्ट आंसर इज ₹6,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, ₹6,000 दिए जाएंगे इन 3 installments, ये भी फ्रेंड्स हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15.56 crore लोन्स ऑफ ₹7.23 lakh crore डिसबर्स्ड अंडर डैश योजना। ऑप्शंस आर निधि स्कीम, मुद्रा, मनरेगा, नन ऑफ अबव। सो सी फ्रेंड्स, आंसर इज हियर, आंसर इज मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू यूनियन गवर्नमेंट हाउ मेनी करोर एलपीजी कनेक्शंस हैव ऑलरेडी बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर पीएम उज्ज्वला योजना। ऑप्शंस आर 8 crore, 7 crore, 3 crore, 6 crore। सो करेक्ट ऑप्शन इज 6 crore। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिस्कल डेफिसिट हैज़ बीन ब्रॉट डाउन टू 3.4% कैट, दैट इज करंट अकाउंट डेफिशिएंट, लाइकली टू बी डैश ऑफ द GDP दिस ईयर। सो करेक्ट ऑप्शन यू हैव टू चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। Options are 2.5%, 7.5%, 4.5%, none of above. So correct option is 2.5%. Next question, the government has decided to set up Rashtriya Kamdhenu Ayog for the welfare of which animal? Options are cow, tiger, buffalo, goat. So correct option is cow. Next question, introduction of container cargo movement of the northeast through which river? So see friends, ye humne abhi discuss kiya, to ye aapko pata hona chahiye. It's your time to answer the question. सो ऑप्शंस आर गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोदावरी। सो सी फ्रेंड्स, यहाँ आपको और भी ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, जैसे कि ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द इंट्रीम बजट 2019-20 हाउ मच अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड फॉर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट। सो ऑप्शंस आर ₹70,000 crore, ₹29,000 crore, ₹48,000 crore, ₹60,000 crore। सो करेक्ट ऑप्शन इज ₹60,000 crore। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक्स टैक्स पेयर्स डैश वेरी फास्ट। ऑप्शंस आर डिक्रीज, इंक्रीज, कांस्टेंट, नन। सो सी फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिकली और डिजिटली टैक्स पेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रधानमंत्री श्रम योगी मंथन स्कीम वॉज अनाउंस्ड इन द इंट्रीम बजट 2019-20। अंडर द स्कीम द वर्कर्स विल गेट वट अमाउंट ऑफ पेंशन आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 years। ऑप्शन आर ₹1,000, ₹3,000, ₹4,500, ₹6,000। सो करेक्ट ऑप्शन इज ₹3,000। सो सी फ्रेंड्स, जब हमने ये पर्टिकुलर डिस्कस किया था कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मंथन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए एक स्कीम और योजना चलाई गई है, तभी मैंने आपको बोला था कि पर्टिकुलर आपको पता होना चाहिए कि कितना अमाउंट अनाउंस किया गया है पर मंथ, दैट इज़ ₹3,000 आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 years। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रियम बजट 2019 प्रपोजेस टू रेज TDS लिमिट टू डैश ऑन बैंक एंड पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स। सो ऑप्शंस आर ₹40,000, ₹50,000, ₹60,000, ₹20,000। सो करेक्ट ऑप्शन इज ₹40,000। Finance Minister Piyush Goyal in his interim budget 2019 speech has proposed to raise the TDS threshold for interest earned on bank and post office deposit to 40,000 from the current ₹10,000. So see friends, earlier it was 10,000, now it is 40,000.
Next is our defense budget will be crossing dash crore for the first time in 2019-20. Options are rupees 3 lakh, rupees 4 lakh, rupees 5 lakh crore, none of above. So correct option is rupees 3 lakh crores. Target digital villages will be, options are 2 lakhs, 3 lakh, 1 lakh, 5 lakh. So see friends, kya target hai digital villages create hone ka, means villages ko digital banane ka kya total target hai. So correct option is 1 lakh. Next is individual taxpayers with taxable income up to what amount will get full tax rebate from now on. Options are rupees 6 lakhs, rupees 5 lakh, rupees 7 lakh, rupees 9 lakh. So correct option is rupees 5 lakh. And if it is rupees 6.5 lakh, then they should be investing in provident fund and other equities. Next is increase allocation of Rashtriya Gokul Mission to, options are 1000 crore, 300 crore, 750 crore, 500 crore. So correct option is 750 crore. So thank you so much friends, this is about today's lecture. I hope you understand the lecture, you understand the key points for the budget, defense and so on, and you understand the MCQs too. If you have any doubt, you can comment below, and if you want to understand any particular topic, you can comment below. Thank you.